गई है लेडी क्रिश की, नहीं ये कोई और नहीं है, हमारी गुड्डन ही है, लेकिन विद अ डिफरेंस, क्योंकि जहाँ क्रिश जो है वो दुनिया को बचाता था, हमारी लेडी क्रिश तो भैया अपने ही घर वालों को किडनैप करने में लगी हुई है। देखिए ना, के अंदर क्रिश की सुपर पावर आ गई है और क्रिश की सुपर पावर आते ही गुड्डन बन गई है सुपर वुमन। और गुड्डन के इस मिशन में गुड्डन का साथ दे रही है गुड्डन की सरस्वती बहू। लेकिन ये दोनों सुपर वुमन बनकर यहाँ एक नेक काम के बदले किसी को किडनैप करने आई है और गुड्डन अपने ही पोते को किडनैप करते हुए नजर आ रही है। गुड्डन किडनैपिंग के लिए अक्षत को डरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुड्डन का ये नन्हा मुन्ना सा पोता बड़ा ही शरारती निकला। उसने अपने आप को ही किडनैपर से बचा लिया और जा गिरा इस गड्ढे में। मेरी गुड्डन आज किडनैपर बन के आई है। तो होता यह है कि क्योंकि अविनाश और मैं, मतलब मेरे बड़े भाई और मैं, हम लोग बात बात नहीं करते, हमारा रिश्ता ठीक नहीं है और गुड्डन चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, तो एक प्लान बनाती है ये अपना तरंगी सा फिल्मी सा कि मैं आरव को किडनैप करूंगी सरस्वती के साथ ये डिस्गाइज में आके, और अगर अविनाश और अक्षत मतलब दोनों अगर मिल के आरव को बचाएंगे तो शायद उनके बीच का जो प्यार है भाई का वो वापस से उनको याद आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, तो ऐसा इनका प्लान है जो ये हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जहाँ गुड्डन साइड हट गई और अक्षत के अंदर आ गई सुपर पावर, और फिर क्या, अक्षत और उसके बड़े भैया अविनाश ने मिलकर आरव को गड्ढे से बाहर निकाला। गुड्डन ने ये सारा प्लान इसीलिए तो किया था ना, ताकि अक्षत और उनके भाई के बीच दोस्ती करवा सके। भाई अंत भला तो सब भला, तो मैं भूल गई उस चीज़ को, लेकिन पता चलता है अब कोई और नाराज हो गया, तो फिर गुड्डन फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब एक चीज ठीक करने निकलो तो दूसरी खराब हो जाती है इस घर में। यहाँ गुड्डन एक भला काम करने जाती है तो कोई दूसरा उससे नाराज हो जाता है। अब गुड्डन ने दो भाई को मिलाने के लिए आरव की जान खतरे में डाली, इसी बात से गुड्डन की दुर्गा बहू उससे नाराज हो गई है। अब देखना ये होगा कि गुड्डन इस नाराजगी को कैसे दूर करेगी और कैसे अपने फैमिली को बनाएगी हैप्पी फैमिली। फिलहाल के लिए अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो भरी धूप में इस काले कॉस्ट्यूम में शूट करना गुड्डन और टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुंबई से सोमा वैद अवस्थी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।